अल्लाम वेलकम बैक टू डी ब्रीफ आज हमारे साथ हैं यूसा मुर्तज़ा जो कि हैं सलाम ये <laughs> प्रोजेक्ट मैनेजर हैं पाकिस्तान में और हमारे साथ हैं अफीरा फिर ये alaykum. हैं रिसर्च लीड यहाँ पर कैसे हैं आप दोनों अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आप कैसे अल्हम्दुलिल्लाह yes, आज आज नहीं खैर कल कल एलेवन सेप्टेम्बर है जो कि देथ एनिवर्सरी है कायद अजम की और आज हम लोग ये बुक लेके आए हैं कोर्स फ्राम द काद जिस जो हम जो उनका विजन था हम आज देखेंगे कि आज हम रिविजिट करेंगे कि आज हम कहाँ पर, पर हैं उनकी विजन पढ़ेंगे देखेंगे कि उसके मुताबिक आज हम कहाँ पर हैं यस तो स्टार्ट करते हैं इसी से करेंगे करें आई कमेंट्स पहले कर लेते फिर इसको हाँ क्योंकि आई थिंक इट विल चीज़ जो है कमेंट्स में कल क्योंकि कल कॉमेडी पे काफ़ी डिबेट हुई है यहाँ पर तो सब लोग कह रहे थे मतलब सब लोग ने अपना ओपिनियन दिया है यहाँ पर जो लोग बैठे yes. हुए थे और ग्रुप में जो ग्रुप ने जो कॉमेंट्स थे उन सारे कह रहे थे कि यार आ, मतलब आपने ऐसे क्यों बोला है ये कॉमेडी ऐसी है कॉमेडी वैसी सारे इस पर लड़ाई कर रहे थे ना तो नीचे कुछ लोगों ने एक कॉमेंट मैंने देखा था ये मरी मकसूद का कि आ, इन सब लोगों ने जो तीन लोग कल बैठे हुए थे उन्होंने अपना ओपिनियन दिया और एग्री भी कर रहे थे डिसएग्री भी कर रहे थे हमारे ये मसला है कि हम जब कॉमेडी को लेते हैं तो हम एक बंदे के लिए कॉमेडी डिफरेंट होती है कि क्या कॉमेडी है एक दूसरे बंदे के लिए डिफरेंट है लेकिन वैसे भी कॉमेडी के अलावा भी हर बंदे का जब आ, वो जो डिसएग्री करते हैं दूसरे के साथ तो उसको लगता है कि ये मेरे साथ मेरे अगेंस्ट हो गए हाँ डिसएग्रीमेंट हाँ, का मतलब हाँ, नहीं है कि आप दुश्मन बन गए एग्जैक्टली exactly, हाँ और मैं आ, आज हम सुबह भी यही बात कर रहे थे मैं और युसरा कि Uh, खैर ये सोशल मीडिया की उसमें बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया कि भाई आप एटलीस्ट थोड़ा सा टॉलरेट करना शुरू करें दूसरे के ओपिनियन को ठीक है exactly. अगर आपका ओपिनियन दूसरे के ओपिनियन से चेंज है तो दैट्स फाइन yeah. मतलब लाजमी नहीं है कि वो फिर उसमें टसल वाली चीज़ आ जाए कि नहीं ये ठीक है और वो गलत है दीज आर जस्ट ओपिनियंस और डिफरेंट हो सकते हैं डेट्स फाइन और कल वाले कमेंट्स में मेरे ख्याल में कुछ कमेंट्स पॉजिटिव भी थे पॉजिटिव हाँ, कुछ, हाँ, भी भी थे, थे, कुछ अच्छे पॉजिटिव भी कमेंट्स भी थे बट ओवरऑल डिस्कशन इसी तरह की चीज़ों पे हुई है ना कि जी कॉमेडी को सब्जेक्टिव लेते हैं या किस तरह से लेते हैं तो थोड़ा सा चीज़ों को लाइटली लेना शुरू कर रहे हैं मतलब हाँ वो इट विल मेक थिंग्स ईजियर फॉर अस एज वेल हाँ बिल्कुल और हाँ कल के लिए तो यही जरूरी चीजें सबसे ज्यादा बतानी क्योंकि हाँ, कमेंट सेक्शन में बहुत लड़े थे और बहुत ज्यादा कमेंट्स आए हुए हाँ, थे हर बंदा दीपल नीड टू अंडरस्टैंड ना दैट एवरीबडी हैज समियंस बिल्कुल और डिसग्री बट आप exactly, ये नहीं कह सकते कि दिस इज दी फाइनल थिंग हाँ, हर चीज को रॉन्ग और राइट के पर्सपेक्टिव में मत हाँ, देखें ठीक है

जो कि विच इज़ वे वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट जो कि उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग ढाका में जो हुई थी 1948 में उसमें उन्होंने hmm. कहा था माय यंग फ्रेंड्स स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट हियर लेट मी टेल यू एज वन हैज ऑलवेज हैड द लव एंड अफेक्शन फॉर यू हुज सर्वड यू फॉर टेन ईयर फेथफुली एंड लॉयली लेट मी गिव यू दिस वर्ड ऑफ वार्निंग यू विल बी मेकिंग द ग्रेटेस्ट मिस्टेक इफ यू अलाउ योर टू बी एक्सप्लॉयटेड बाई वन पोलिटिकल पार्टी और अनदर योर मेन ऑक्यूपेशन शुड बी In fairness to yourself, in fairness to your parents, in fairness to the state, to devote your attention to your studies. So important. Yes, so important. अच्छा जब यूसर ये पढ़ भी रही थी, I was thinking के uh, इसका ये बिल्कुल भी इकायत का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा कि आप अपना कोई पॉलिटिकल विजन रखें ही ना, ठीक hmm, है? मतलब आपने जब हम एक एज जो सर्टेन एज है उसके बाद आपने फिर वोट करना है गवर्नमेंट मतलब ये आपका आ, एक ऑब्लिगेशन है ना कि आप जब इलेक्शन हो रहे हैं आप जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें और इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल आ, मतलब आ, अपना कोई पोलिटिकल विजन रखें बट जब आप स्टूडेंट हैं तो आपका फोकस क्या होना चाहिए एक्चुअली ही वॉज टॉकिंग अपाउट डेट और मुझे लगता है कि आ, गलत बिल्कुल भी नहीं है जो स्टूडेंट यूनियंस बनती हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ बहुत अच्छे इशूज़ पर भी काम करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इशूज़ प्रॉब्ली पोलिटिकल जब वो यूनियन हो जाती, हो हो जाती है। है। हैं तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ ऐसे हो जाती हैं है। और हमारे पास बहुत सारी एग्जैक्टली और हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ की भी हैं जो exactly, है, प्रॉब्लम वी कॉन्ट नहीं बट मतलब लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं डिपार्टमेंट्स बंद हो जाते हैं फॉर डेज एंड डेज बिल्कुल और वो सिर्फ एक पोलिटिकल राइवलरी की बेस पर हो रहा होता है ऐसे ही है ठीक है और जो इसमें मेन बात ये थी नट का डोंट अफिलिएट यू वन कैम्प Mm -hmm. आप स्टूडेंट mm -hmm. तभी हैं व्हेन यू आर विलिंग टू लर्न व्हेन यू आर ओपन टू न्यू आर्गुमेंट्स न्यू डिस्कशंस और जब आप ओपन हैं कि मैं दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी सीखना exactly. चाहती हूँ uh -huh. तो तभी mm -hmm. हैं और जब आप फेयर रहेंगे टू एवरीबडी लाइक अपने स्टेट के साथ अपने पेरेंट्स mm -hmm. के साथ अपने mm -hmm. साथ अपने आप को उस लर्निंग वाली जो एक चीज है उससे डिवोट रखेंगे तभी आप एक स्टूडेंट है exactly. 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 अच्छा जी नेक्स्ट वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट करप्शन ए सो कायद क्या कहते हैं कायद सेट दिस टू इसफानी मे 1945 फोर्टी फाइव बिफोर इंडिपेंडेंस ठीक है करप्शन बिफोर इंडिपेंडेंस यहाँ पे मैं इसी मेंशन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इंडिया का रेफरेंस दिया हुआ है सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स इन इंडिया जो उस टाइम क्योंकि सिर्फ इंडिया था ठीक है करप्शन इज़ अ कर्स इन इंडिया इसका यह मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में, में है अभी वो पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं ऑबियसली एंड अमंगस्ट मुस्लिम्स स्पेशली दी सो कॉल्ड एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंसियाटली इट इज़ दिस क्लास दैट इज सेल्फिश इन मॉरली एंड इंटेलेक्चुअली करप्ट नो डाउट दिस डिजीज इज़ कॉमन बट अमंगस्ट दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ मुस्लिम्स इट इज़ रेमपेंट और ये जब मैं पहले भी पढ़ रही थी ये वाला hmm. कोट और अभी भी मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सत्तर साल पहले बात नहीं ये अभी अभी हुई, है। हुई है अभी हुई है मतलब so मतलब और this is so, मतब, bad feeling कि यार कुछ चेंज नहीं हुआ कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ ऐसे yeah. अभी भी हम मॉरली भी करप्ट हैं फाइनेंशली भी करप्ट मतलब ओवरऑल करप्शन की अगर अगर हम आज की सोसाइटी में देखें तो जिसको जितना पढ़ रहा है ना वो वहां लेते हैं ऐसे वहीं पे हमारी मॉरल करप्शन uh, आ जाती है और फिर जब वो जब कोई छोटा करके बच जा रहा है तो फिर वो बड़ा भी बड़ा, कर रहा है exactly, उस तरह exactly. से कर रहा है और फिर आपकी सोसाइटी के बेसिस ही स्ट्रांग नहीं है ना बिकॉज हम मॉरली और एथिकली ही स्ट्रांग नहीं है एग्जैक्टली डू यू थिंक सॉरी वो इंटेलेक्चुअली भी कह, कह रहे थे ना हाँ, तो, तो मेरे दिमाग में अभी एक रिसेंट इंसिडेंट आया ट्विटर के ऊपर जो हुआ था

तरह से इंटरप्रेट कर लेना जिसमें वो लिखा भी नहीं गया बिल्कुल विदाउट कॉन्टेक्ट डिस्कस करना इज ऑल्सो डिसऑनेस्टी एंड करप्शन लेकिन लोग करते हैं लोग अपनी बातों को आधी hmm. बात लेके बट उसको स्टांस बनाने के लिए कि देखो आई एम कोटिंग समथिंग एग्जैक्टली अच्छा कुछ दिन पहले भी हम किसी और टॉपिक पे डी में ही बात थे एंड आई वॉन्टिड टू एम्फोसाइज़ इन सारी चीज़ों में आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर आती है ठीक है mm. तो जब आप करप्शन की भी बात करते हैं तो मेरे ख्याल में इट स्टार्ट्स विद द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है अगर मैं बात कर रही हूँ कि यार सोसाइटी में करप्शन बहुत ज़्यादा है यूनिट लेवल से लेके ओवरऑल सिस्टम तक ठीक है तो मेरे ख्याल में इट स्टार्ट्स विद द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कि मैं खुद अपने आप को कहाँ तक रोक रही हूँ बिल्कुल किसी भी चीज़ में करप्शन करने से इट मे बी कि मैं ऑफिस टाइम पे आ रही हूँ Exactly। मैं ऑफिस को वो नीडिड जो रिक्वायर्ड टाइम है और रिक्वायर्ड एनर्जी और वैल्यू हाँ। है मैं वो उसमें पुट अप कर रही हूँ या नहीं exactly. कर रही। आ, मैं अगर सड़क पे हूँ तो मैं आ, दूसरे का दूसरे का ख्याल रख रही हूँ या नहीं रख रही ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं हम बाहर कचरा कर रहे होते हैं घरों को साफ़ कर रहे होते हैं ये भी करप्शन बिल्कुल आता है कि आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि सिर्फ आपने घर को नहीं आपने अपनी स्ट्रीट को अपने एरिया को अपने मुल्क को साफ करना है तो ये छोटी छोटी चीजें को तभी कह सकते हैं जब हम ये सारी कर रहे खुद exactly, exactly, कर रहे हैं हाँ, खुद हाँ, ना करें इसका कोई फायदा नहीं है और आज हम जिस जगह पे हैं प्रॉब्लम इसी वजह से है कि हम खुद नहीं वो फॉलो कर रहे वही बात है कि हम जो चीजें जो वैल्यूज है ना हमारी अपनी भी वो हमारे लिए डिफरेंट होती हैं और दूसरों, दूसरों के लिए डिफरेंट होते हैं yes. और हाँ, that's that's bad. Bad. Mm. कि हम लोग उसके ऊपर नहीं भी कर रहे होते लेकिन दूसरा जब जो करता है ना दूसरा कर रहे हाँ और इससे रिलेटेड कोर्ट भी हम करेंगे लास्ट में डिस्कस लेकिन यही है कि जो कैंप्स बन जाते हैं ना पॉलिटिकल कैंप्स बन जाते हैं वो लोग यहाँ बैठ के फॉर एग्जाम्पल इमरान खान से हो रहा है या नवाज शरीफ जो हो रहे हैं वो करप्ट हैं वो लोग लेकिन हम लोग कभी भी नहीं देखते कि आप आपको जब मौका मिलता है कि सरकारी दफ्तर में किसी तरह जॉब मिल जाए आप इसके लिए रिश्वत देते हैं फिर कहते हैं आपका बड़े हमारे कह रहे थे कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, जाए हो, हो जाएगा हाँ कोई बात नहीं रिश्वत थोड़ी सी है कोई बात नहीं चीज़ बड़ी होगी तो ही बड़ी है छोटी चीज़ बड़ी होगी चीजें हैं उस तरह से लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि छोटी छोटी चीजें कि आप टाइम ऑफिस में जो टाइम कितने टाइम पे आ रहे हो और घर में जो आप किस तरह से रह रहे हो वहाँ घर में जो आपकी राइट्स हैं आप किस तरह से वो कर रहे हो वो भी करप्शन में आता है ना कि अगर आप नहीं करोगे बिल्कुल तो इससे हम जाते हैं वैसे हम जो एक्चुअली डिस्कस करें हैं वो अभी के मसलों के हिसाब से हैं, बिल्कुल है ना जैसा हाँ, करप्शन है और इसमें जितने भी कोर्ट्स हैं मतलब हम सुबह दे आर रेलिवेंट देट इवन अभी बिल्कुल मतलब अभी के पाकिस्तान में दे आर ऑल रेलिवेंट तो अभी एक उन्होंने स्पीच दी थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूनियन अलीगढ़ में ये टेंथ मार्च

चार probably चार में उन्हें इतने आराम से, से बता दिया। से बता दिया और, और हमारी जो है है वो uh, 51, 52 uh, है। exactly. तो ये, ये कितनी अच्छी बात है पहली लाइन में कि अगर अगर साथ नहीं चलेंगे वो हमारे जो uh, जो हमारी society है, को build कर कैसे बिल्ड होगी सोसाइटी जबकि ट्रू ट्रू तो, और इसमें बहुत अच्छी उन्होंने बात की है कि आपको अपनी सोसाइटी और अपने कस्टम्स के हिसाब से चीज़ों को किस तरह से बिल्ड करना है आप बिल्कुल सोसाइटी को बंद भी नहीं कर सकते ठीक है लेकिन आपकी सोसाइटी अगर आपके कस्टम्स अगर वेस्टर्न वर्ल्ड से डिफरेंट हैं तो दैट इज़ फाइन ठीक है आप सिर्फ अपने आप को वेस्टर्नाइज करके, हाँ, करके मतलब वो, प्रोग्रेसिव नहीं बन प्रोग्रेसिव सकते।, प्रोग्रेसिव नहीं बन नहीं सकते। exactly. आप exactly. exactly. हाँ, इस्लामिक वो ट्रेड होती थी तो खातन उसमें थी थी, जो भी सारा था उसमें खात हमेशा साथ रही है और इस्लाम के बाद वुमेन राइट मिलने शुरू हुए इस्लाम के बाद आज जो लोग बोल रहे हैं कि हम इस्लाम

जहाँ जहाँ हमारी इस्लाम मेरे को कहते थे कि इस्लाम को अपने तरीके से मोल्ड किया हुआ है ना जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पर इस्लाम इम्प्लाई करते हैं जहाँ नहीं जहाँ खुद है वहाँ पर इस्लाम इम्प्लाई नहीं करते बिकॉज लाइक दिस कोर्स हर चीज़ का ना एक कॉन्टेक्स्ट होता है ठीक है कहीं कही गई बात का किस मौके पे कही गई बात तो जो आयात लोग इस्तेमाल करते भी है, वो without context context भिल्कुल, भिल्कुल, because because हैं वो विदाउट कॉन्टेक्स बिल्कुल बिकॉज क्योंकि true? अगर हम आगे और उसकी नेक्स्ट उससे पिछली और उससे अगली भी देख लेना तो वो कॉन्टेक्स बहुत क्लियर है लेकिन so लोग true. उस तरह से नहीं देखते हर किसी हाँ। को अपना मतलब निकालना है इतनी ही बात है मेरी काम इतनी ही बात आ रही है मैं तो मैं इसी से चला तो वो वाली चीज है खैर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कोर्ट जो कि प्रोवेंशनलिज्म के ऊपर है Okay. जिस पे उन्होंने यही बात की है कि जब हम कहते हैं कि हम बंगाली हैं हम सिंधी हैं हम पठान हैं हम पंजाबी हैं, हैं तो सबसे पहले हम मुसलमान हैं जो हमने वो कैम्प भी बना ली हैं ना कि प्रोवेंस की बेसिस पे हमने कैम्प बना लिए अच्छा वो सिंध अलग है बलोचिस्तान अलग है पंजाबीज अलग हैं और वो उस तरह से और इसी तरह सेक्ट की बेसिस पे भी जो हमने वो बना लिए उससे पहले हम एक नेशन है वी आर ऑल यूनाइटेड वी आर वन नेशन जिसमें उन्होंने बात की है कि हमने ये टेरिटरी बनाई है ये टेरिटरी जो बनाई है उसमें हमने ये इसलिए बनाई क्योंकि वी आर हाँ, अगर हम उसके अंदर कैंप्स बना लेंगे हाँ। एक बॉर्डर बॉर्डर के अंदर हमने हाँ, बना तो उस तरह से जो कि जब इन्होंने ये बात 1948 में की थी उन्होंने पब्लिक मीटिंग ढाका पे जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट हाँ, पाकिस्तान उस तरह से अलग था तो उसमें ये बात हुई थी कि आप हम एक है ना नेशनल नेशन पहले आती है एंड देन बी बाद हमारा हाँ. लेकिन अगर हमने डिफाइन करना है जो कि अभी मुझे बस रैंडमली आ रहा है यहाँ पे डिस्कस करने में एक मूवी थी इंडिया की चक दे इंडिया इफ यू है बट वो इंडियन हॉकी से रिलेटेड जस्ट टू बिल्ड द कॉन्टेक्ट मैं उस तरह से दे रही हूँ कि जब वो टीम बना रहे थे ना तो एवरीबडी हैज टू इंट्रोड्यूस देयर प्लेयर्स तो वो आगे आती थी वो कहती थी आई एम फ्राम पंजाब आई एम फ्राम वो एंड शाहरुख खान वॉज द कोच तो वो उनको साइड पे करता जा रहा था साइड पे करता जा रहा था देन एक आई उसने अपना नाम लिया एंड एन सेड आई एम फ्रॉम इंडिया एंड सेड प्लीज लाउडली बोलो ये mm. आप पहले एक नेशन होते हैं And then हाँ आप किसी और तरीके से आप ये जो यूनिट्स बनते हैं ना विद इन कंट्रीज ठीक है वो सिस्टम को चलाने के लिए ठीक होते हैं ठीक है लाइक like अगर पाकिस्तान एट अ पॉइंट वर्ज ए वंस यूनिट सिस्टम ना कि कोई प्रोवेंसेज नहीं होते थे ठीक है तो आप जब एक चीज़ को ब्रेक डाउन करके तो सिस्टम uh, जैसे अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है और उसको एक बंदा हेड कर रहा है उसके लिए मुश्किल होगा सारी चीज़ों को फॉलो अप करना ठीक है फिर आप उसके डिविजन्स बना देते हैं कि ये फलाना डिपार्टमेंट हाँ, exactly. है उसको वो ये हेड करेगा बट एट दी एंड वो फिर फेडरल की तरफ लाइक like वो जो बॉस है उसकी तरफ वो है ठीक है तो सिस्टम को चलाने के लिए मे बी प्रोविंस आर गुड ठीक है लेकिन एट दी एंड ऑफ द डे वी आर पाकिस्तानीज ठीक है वी नीड टू रिमेंबर we are punjabi ya hum patan ya sindhi ya kashmiri hone se pehle pakistani है. exactly yes. acha so our next quote is vision of pakistan and he was addressing constituent assembly of pakistan on 11th august 1947 okay. pakistan oh. okay if we want to make this great state of pakistan happy and prosperous we should concentrate on well-being of people, and especially the masses and the poor. Every one of you, no matter what his color, caste, and creed, uh, creed is, first, second, or last, is citizen of this state with equal rights, privileges, and obligations. So important, yet ha, so very simple. important. इसके लिए ना वैसे आ, मेरे अचानक जहन में एक चीज़ आई है मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं कोई पी टी आई का बड़ा एल आए हूँ या नू लिखने ऐसा कुछ नहीं कहते लेकिन इस गवर्नमेंट ने ना पॉवर्टी विलेशन पे जो काम हाँ। किया ना वो काफ़ी मतलब बहुत अच्छा काम किया उन्होंने जिस तरह वो लोग एक हमारी सबसे जो निगलेक्टेड क्लास है उसको वो ले आ रहे हैं कि एटलीस्ट एक आज आज भी सुबह मेरे से इस चीज़ पर बहस हो रही थी मेरे अबू कह रहे थे कि Uh, जो लोग जिस तरह हमारी जो एवरेज सैलरी है जो वर्कर hmm. है उसकी एटीन थाउजेंड है hmm. लेकिन वो मुझे बोल रहे थे कि वहाँ लोग एक ड्राइवर है उसकी बारह हैं और इस तरह बता रहे थे मुझे hmm. तो मैंने बोला कि अब वो बोलते क्यों नहीं उन्होंने आगे से बोला वो सोचती वो अगर बोलेंगे ना तो उनकी जॉब भी जाएगी और जो उनका मालिक है वो भी hmm. कुछ ना कुछ करेगा तो मैंने वो बोला यही तो डिफरेंस है ना हमारे अंदर कि हम बात नहीं कर सकते जो हमारी जो नीचे वाली सोसाइटी है वो बहुत नीचे है और जो ऊपर वाली है वो बहुत ऊपर है इतना बड़ा गैप है हमारे अंदर ना कि हम लोग नीचे वाले बोल ही नहीं सकते उनके बाद इट इज़ हु इट इज वी हैव क्रिए क्योंकि अगर पाकिस्तान बनने से पहले तीन दिन पहले ही दिजन इज सो क्लियर एवरीबडी इज इक्वल नो मैटर आप कहा से आ रहे हैं हाँ, हाँ, क्या कास्ट है आपकी आपका बैकग्राउंड क्या, क्या है हमने ये हाँ, आपका हमने ये टेरिटरी हाँ, बनाई इसलिए कि हर कोई जो है उसको वो फ्रीडमली एक्सप्रेस करने की इजाजत है बट exactly. विद हमने उस चीज को इतना क्लासीफाई कर दिया इतना क्लासीफाई कर दिया कि अब हम आई डो हमें उसके अलावा वो उस नजर ही नहीं आता कि ये विजन कभी था भी हाँ so सोच सिर्फ टेक्स्ट बुक के फॉर्म में है लेकिन जो उसके बाद जिन्होंने जो जिस तरह से ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए था वो कभी उस तरह से नहीं हो सका। Exactly. और इन चीज़ों को मेरे ख्याल से किताबों में होना चाहिए जो हम पढ़ते हैं अच्छा मेरे ख्याल में किताबों से भी किताबों में कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिल जाती हैं ठीक है थीके? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये वाली जो आ, आ, सिटिंग जो हम एक छोटी सी रीडिंग वो कर रहे हाँ, हैं है। सर्कल कर रहे हैं मेरे ख्याल में ये घरों में भी होने चाहिए एक्जैक्टली exactly. ठीक है थीके? आपका यूनिट जो है ना वो आपकी फ़ैमिली है ठीक है आप हम कहते हैं ना कि आपकी माँ और या आपका ठीक है तो मेरे ख्याल में ये चीज़ आपको अडल्ट हुड में आके सीखने की जरूरत नहीं है ये चीज़ आप जो बहुत छोटे बच्चे हैं ना तो आपकी उस टाइम होना चाहिए जो ब्रिंग अप है उसके अंदर उस चाहिए होना नहीं चाहिए होना हाँ। बिल्कुल।, बिल्कुल।, और सिर्फ ये रिस्पांसिबिलिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की नहीं है या आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ऑब्वियसली उनकी भी है बट आपके घर की भी आपकी फैमिली की रिस्पांसिबिलिटी है कि बच्चे को आप किस तरह से मतलब आप रेज कर रहे हैं तो आप ये विजन कितना क्लियर है आपका अपना और आप अपने बच्चे का कितना क्लियर कर रहे हैं इस चीज़ से ना मे मेरे जहन में एक बात आ रही है पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं मे, भी ना बहुत बहुत कोशिश करता हूँ किस कि जिसकी भी हेल्प करूँ तो कर सकूँ तो कर लूँ तो मुझे सारे बोलते हैं कि आप मतलब कि मॉनिटरी बेनिफिट भी देखो उसमें कोई बेनिफिट भी देखो तो मैं, देखो, नहीं। नहीं। तो मैं हमेशा ये चीज़ नहीं सोचता कि हमेशा मुझे बेनिफिट देखना चाहिए क्योंकि जब मैं छोटा था ना तो मेरी अम्मी भी ऐसी करती है मेरी अम्मी कपड़े सिलाई करती हैं तो ऐसे ही मतलब कोई भी जितने मर्ज़ी पैसे दे कर देती हैं तो मैं बोलता हूँ कि आप क्यों करती हैं ना तो आगे से मुझे बोलती हैं कि आ, वो हमेशा बचपन से मुझे बोलती है और मुझे अभी तक याद है कि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे काम आते हैं दूसरों के हाँ। तो बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ ना ये चीज मेरे अंदर बैठ हाँ। गई है हाँ। और हालांकि लोग कहते हैं कि मॉनेटरी बेनिफिट भी देखो ये देखो नेटवर्किंग देखो मैं कभी कभी नहीं देखता क्योंकि मुझे लगता है कि हम किसी के काम आएंगे तो हम हमें भी कुछ फायदा होगा इसका yeah, so तो मेरे ख्याल हाँ से जो बचपन से हम चीज़ें सुनते आते हैं और एक्सपीरियंस करते आते हैं ना वो हमारे हड्डियों में बैठ जाती है yeah. हम उससे फिर दूर नहीं जा सकते बिल्कुल तो ये हमारी ब्रिंग अप में होनी चाहिए चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल तो इससे हम आते हैं मैसेज टू पाकिस्तान लास्ट कोट लास्ट कोर्ट की तरफ ये इन्होंने किया था सिविल ऑफिस ऑफ बलुचि सिबी में फरवरी नाइनटीन में ओके ये बिल्कुल एक साल बाद Work honestly and sincerely and be faithful and loyal to the Pakistan government. <laughs> I can assure you there is nothing greater in this world than your own conscience. Mm. And when you appear before God, you can say that you, that you perform your duty with the highest sense of integrity, honesty, and with loyalty and faithfulness. Wow. So beautiful. Yes, uh, be faithful to loyal to the Pakistan government. इस चीज़ को अगर थोड़ा सा एलेबोरेट करें ना जब पॉलिटिकल कैम्प के हमने बारे में बात की थी तो हम भूल जाते हैं कि जो नवाज शरीफ फॉर एग्जाम्पल या जो इमरान खान बाब का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि को रेफरेंस, रेफरेंस समझ आए हम बोलते हैं कि जिस तरह हमारे जो लोग प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं ना ही इज़ वेरी हैंडसम ही इज़ वेरी ये वो दिस ही इज़ नॉट हैंडसम कि आप बोलो कि हैंडसम की वजह से मैं उसको सपोर्ट करूंगा आपने पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में देखना है आज भी मैं ये सोच रहा था कि अगर इस इस इनके टेन्योर के बाद अगर कोई और अच्छा लीडर आता है ना हमारे पास तो हम उसको सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमने पाकिस्तान को सपोर्ट करना है exactly. हमने बंदे को नहीं देखना कि वह नवाज शरीफ है या कोई है क्रिटिक भी हमने इस तरह करें कि यह हमारा मुल्क है और सपोर्ट भी हमने इस तरह करना कि हमारे मुल्क के yeah. क्या फ़ायदा है तो ये Sochi. बड़ी अच्छी चीज़ मैंने पहली लाइन में लिखी है इट ड मैटर हु इज़ इन हाँ हाँ आपकी कंट्री है आपकी कंट्री स्टेट स्टेट और जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चला रहे हैं ना उसमें डिफरेंस होना चाहिए ठीक है आपकी लॉयल्टी स्टेट के साथ होनी चाहिए बेसिकली मुझे इस सारी मतलब जो मैसेज तो पाकिस्तान है उसमें मुझे, मुझे उसमें और स्पेशली अगर वो सिविल सर्वेंस से बात कर रहे थे उस कॉन्टेक्स्ट में कि भाई कोई भी पॉलिटिकल वो आ मतलब आ, पार्टी आती है इन पावर ठीक है तो आपका कंसर्न उससे नहीं है आपका कंसर्न स्टेट 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 के 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 साथ 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 है है ऑफ ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान आपकी लॉयलिटीज जो वो के साथ होनी चाहिए और ये जो आपने पहले भी बात की थी ना कि आ, जो छोटी-छोटी चीजें करप्शन जो हम लोग अपने काम से करते हैं वो इसमें यही लिखा है कि जब आप अपनी सब सब काम ईमानदारी से करें सारे काम exactly ताकि जब आप point हा, हा, point हा, हा, yeah. ताकि आप जब अल्लाह के सामने जाएं तो आप बोलें इंडिविजुअल का जो रोल है कोर्ट में भी ना उन्होंने इंडिविजुअल के बारे में बात की है और उन्होंने हमारे ए, बारे में बात ए, की है मैं इंडिविजुअली फिर एक आप इंडिविजुअल हाँ, आप इंडिविजुअल फिर वो मिलके ये वो बनाते सिस्टम हैं, बनाते हैं सिस्टम बनाते हैं तो उन उस, उस सब पे तो तो आई गेस वी नीड टू मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक यस नेक्स्ट अच्छा कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी और ईरान एंड इजराइल का कुछ इशू जो भी चल रहा है एंड आई वाज थिंकिंग अगर हम उसको अपने रीजनल uh, पर्सपेक्टिव में देखें तो वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है सो सो वी डिसाइडेड बेसिकली कि हम इस पर भी बात कर सकते हैं जो इसराइल के मिलिट्री चीफ हैं उन्होंने दो दिन पहले एक स्टेटमेंट में बात की कि दे इसराइल विल बेसिकली ग्रेटली एक्सेलरेट स्ट्राइक प्लान अगेंस्ट ईरान ठीक है तो मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि पाकिस्तान ऑलरेडी अफगानिस्तान वाले इशू में भी फंसा है ठीक है दूसरी तरफ इंडिया वाला इशू हाँ। तो कौन सा हमारे भोपाल से चल हाँ। रहा है ठीक है अगर खुदा ने खासा ईरान और इसराइल का कोई आ, मतलब इस तरह का मिलिट्री कोई हाँ क्लैश होता है तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान के लिए किस तरह से होगा क्योंकि क्योंकि हम लोग ये बात करते हैं कि बॉर्डर से जैसे आ, हम अगर अफगानिस्तान की बात कर रहे हो तो हम लग बार बार बात कर रहे हैं कि अच्छा वहाँ पे स्टेबिलिटी होगी तो ऑबियसली उसका इफेक्ट डिफरेंट तरीक़ों से आ, पाकिस्तान में आएगा ठीक है और वो हम देख रहे थे ना कि जब तालिबान आ, इलाके कैप्चर कर रहे हैं और ये हाँ। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और फिर एकदम से पिछले कुछ महीनों में जब वहाँ परिटी बिल्कुल अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा थी ना कि होने क्या वाला है ठीक है और बलूचिस्तान में कभी एक चेक पोस्ट पे धमाका हाँ, कभी इधर फायरिंग हुई तो हमारे जो फौजी अलकार हैं वो शहीद हो गए मतलब इस तरह की चीजें होना शुरू हो जाती हैं तो मैं यही सोच रही थी कि उसका अगर हमारे तीसरा जो नेबर है उसके भी अगर कोई इंस्टेबिलिटी वाला इशू होता है तो वो कितना चैलेंजिंग होगा पाकिस्तानी हम लोग तो फिर तीन साइड से इन, पहले ही हम हाँ। लोग अफगानिस्तान में इतना वो हो गए हैं इंडिया में तो तो सारी जिंदगी रहे हैं और हाँ। फिर अफगानिस्तान हाँ। में भी आ, उसके बाद और उस बाद हाँ। हो गए हैं और उसके बाद अब एक और सॉर्ट ऑफ थ्रेट है हमारे कि ज्योग्राफी जो होती है यस वो एक सेंस में कितना वो भी हो सकती है और जोग्राफी और हमारी ज्योग्राफी जो है वो और हमारे मुल्क में ना लोगों को उस तरह से पता भी नहीं है कि क्या इंपॉटेंस है जोग्राफ़ी जियो, की हम लोग सोचते हैं कि जिस तरह जब तालिबान ने वो, वो किया था टेक ओवर किया था तो ज़्यादातर ज़्यादातर कन्वर्सेशन हो रही थी ना कुछ लोग सपोर्ट करते कुछ सपोर्ट और सपोर्ट uh, ना करना डिफरेंट चीज़ है पाकिस्तान को क्या है पाकिस्तान कर लिया तो ठीक है ना अगर ना कर लिया तो हमें क्या अफगानिस्तान में किया है या अगर इंडिया में कुछ हुआ तो इंडिया में हुए हमारे लोगों को नहीं समझ आती कि इस पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा पर हाँ, उसका री, उसकी रीजनल कोई भी चीज़ हो रही है तो उसकी एक रीजनल इम्प्लीकेशन होती है जो साथ वाले मुल्क को हर हाल में बर्दाश्त करनी पड़ती है आप चाहें ना या चाहें ना चाहें ठीक है उसके कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होती हैं कुछ फॉरेन पॉलिसी में कुछ इश्यूज होते हैं मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा हाँ कुछ हम थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्ट दे देते हैं कि भाई इशूज ईरान और इसराइल में थे क्या ठीक है बहुत पीछे नहीं जाते कि कब इशू स्टार्ट हुए क्या हुआ बट क्योंकि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा है एंड वेस्टर्न वर्ल्ड इज़ वेरी कंसर्न अबाउट इट कि जी नॉन uh, प्रोलीफ्रेशन हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफ्रेशन इस्पेशली कि जी uh, जितनी कंट्रीज़ ने अब न्यूक्लियर वेपन्स बिल्ड कर लिए हैं दे आर इनाफ़ ठीक है और उससे ज़्यादा कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी नहीं जानी चाहिए ठीक है तो 2015 में हुआ क्या कि यूरोपियन यूनियन एंड ईरान ने एक डील स्ट्राइक की ठीक है जे जिसके अंडर यूरोपियन यूनियन ने आ, कुछ टर्म्स की बेसिस पे कि सेंकशनस ख़त्म करेंगे और इस तरह की चीज़ों पे ईरान को एग्री कराने की कोशिश की कि जी आप अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है जो है वो बंद कर दें ठीक है तो वो जो डील जेसीपीओए जे सी पी ओ है उसमें जो सिग्नेट्रीज़ थे वो यू एस चाइना रशिया यू के फ्रांस जर्मनी ठीक है उस टाइम जर्मनी ठीक है सब पावर्स थे हाँ सब पावर्स ठीक है विच विच वाज वेरी इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम कि अच्छा जी एक अगर डील स्ट्राइक हो जाती है क्योंकि ईरान पर बहुत सालों सेक्शनस uh, थी डिफरेंट तरह की ठीक है तो उसका सोसाइटल और फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑब्वियसली बहुत बुरा था और ईरान ठीक है और फिर रीजनली भी चीज़ें बड़ी टेंस रही लेकिन ट्रंप ने उस डील से अपनी लास्ट टर्म में विड्रॉ कर लिया ठीक है तो अब क्योंकि पिछले कुछ सरसा पहले इलेक्शंस हुए हैं ईरान में और थोड़ी सी न, लीडरशिप राइट विंग लीडरशिप कह लें या थोड़े से वो अपनी आइडियाज़ में थोड़े से सख्त हैं ऑब्वियसली तो वो अब दोबारा से क्योंकि आपकी डील तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई ना यूएस निकल गया जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो यूएस की सपोर्ट पे सब कुछ कर रहे होते हैं नॉर्मली ठीक है और बाइडन ने भी फिर कुछ स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी कि हम जी देखेंगे कि हमने आप क्या ईरान के साथ प्लान

तो उसकी बेस पे अब इसराइल इज इस वेरी गयरिंग हाँ एग्जैक्टली दे आर अप के अब हम इस पर मिलिट्री प्लान कुछ करते हैं आज हम सुबह ये बात कर रहे थे कि इसके दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वन के पहली चीज़ ये कि आ, अभी अभी बजट पे डिस्कशन हो रही है इन इसराइल ठीक है तो या तो इस तरह की फ्लेमिंग और इस तरह की स्टेटमेंट देने का मकसद ये भी हो सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा डिफेंस बजट उनको हाँ। हाँ, अगेन कर लें ठीक है और उसके पीछे और कुछ भी नहीं होगा मतलब ऑब्वियसली जो एक राइवलरी तो है जैसे इंडिया, तो इंडिया में इलेक्शन होते हैं तो वो बस सिर्फ पाकिस्तान बैशिंग हाँ, so के लिए हाँ, exactly. तो एट द सेम टाइम इसी तरह से इसराइल में भी जो फौज है वो इस तरह से बजट ज्यादा से ज़्यादा बजट अप्रूव कराने की कोशिश पहले भी करती रही और प्रॉबेबली ये एक टक्या हो सकती है ठीक है बट सेकेंडली अगर हम देखें तो इसराइल हमारे पास हिस्टोरिकली प्रेसिडेंट्स हैं कि किराइल इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के वो फिर स्ट्राइक्स भी करते रहे हैं लाइक इन गल्फ़ वॉर जो फर्स्ट गल्फ़ वॉर थी नाइन्टी वन नाइनटी टू इसराइल ने ईरान पे सॉरी इसराइल ने इराक पे स्ट्राइक्स की थी कि जी उनके पास केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स हैं ठीक है फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स की थी ऑन सीरिया कि उनकी न्यूक् न्यूक्लियर लैब्स हैं और इस तरह के केमिकल वेपन्स के इश्यूज हैं जो कभी भी प्रूव नहीं हो सका ठीक है तो अगर इन वर्स्ट के सिनारी खुदा नास्ता अगर इस तरह की स्ट्राइक्स होती हैं ऑन ईरान तो हमारे मतलब अगर हम रीजनल कॉन्टेक्स्ट में तो देखें तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी यस yes. ओह ये आ, हमारे वैसे मुझे इतना आइडिया नहीं इसलिए मैं सॉल्व करूँ कि हमेशा जब इस तरह की वो किसी चीज़ का प्रूफ नहीं मिलता लेकिन वो कर देते हैं स्ट्राइक्स भी hmm. कर देते हैं या अटैक भी कर देते हैं या तो, तो यू है उसको देखने के लिए जो हम बोलते हैं जब जाकर कहीं पर तो वो यू होती है जिसको जिसपे हम अपना केस जिस तरह वो कराते हैं या हाँ, नॉर्मली क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तो यू ही है लेकिन अगर इस तरह की न्यूक्लियर ईशूज़ अगर कुछ डिस्कस होने हो ना तो एक और बॉडी है इंटरनेशनल बॉडी दैट इज़ आई इंटरनेशनल अटामिकर्जी एजेंसी ठीक है वो इन चीज़ों को देखती है बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाहे यू एन है चाहे आई ए है या कोई भी और इंटरनेशनल फोरम वो वॉल्ट्री बेस पर काम करता है वो इंटरनेशनल पुलिसिंग नहीं कर सकता नहीं कि भाई तुमने ये बात माननी ही माननी अगर अच्छा। ऐशू होता तो कश्मीर इशू सॉल्व हो चुका होता और सौ इंटरनेशनल ईशूज़ मतलब डिफरेंट रीजनज़ में हैं वो चीज़ें सॉल्व हो दे आर वॉल्ट्री uh, uh, मतलब वो अपनी uh, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है हाँ, वो एक, एक तो ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है बट वो जो भी आपको एडवाइस देते हैं वो वॉल्ट्री होती है ठीक है तो मोस्टली इन इन दैट केस लो मतलब जो कंट्रीज uh, हैं वो उसको नहीं इतना ज़्यादा जिसने जो करना है सॉवरन नेशन हाँ. है ना उसने हुँ. अपनी सॉवरनिटी और अपने हिसाब से चीज़ों को करना है, लेने हाँ तो वो, exactly. वो उसी हिसाब से कर करते हैं और इसराइल के कॉन्टेक्स में मुझे लगता अच्छा, है कि इसराइल इज़ वेरी लाडला बच्चा ऑफ वेस्ट तो उस उस सेंस में अगर इसराइल कुछ भी कर रहा है ठीक है तो वो क्योंकि वेस्ट का प्रेशर नहीं है उस पर उस तरह से जैसे अगर कोई और आ, कोई और कंट्री कंट्री करती और फिर आ, वेस्ट उसको सेंक्शंस करना शुरू कर देते हैं इनको हमेशा जिस तरह अफगानिस्तान में भी आ, प्राइम मिनिस्टर हमारे बोलते भी आए हैं कि इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें अब जो आके वो लोग बात कर रहे हैं हमेशा से वो लोग हमेशा मिलिट्री सोलूशन की तरफ जाते रहे हैं और मेरे ख्याल से हमेशा इन टर्म्स ऑफ वेस्ट ना जब भी कुछ ऐसा होता है जिसमें सीरिया में हुआ ईरान की बात करें अफगानिस्तान की मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ जाते हैं पहले exactly. ये वो करने के बाद फिर कई साल बाद जब आपका औरजन डिस्टिबलाइज हो जाता है उसके हाँ. बाद आकर उनको याद आता है कि कुछ हाँ. जो, जो उसके रिप्रिकेशन आते हैं उसके बाद कि यार अब पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाते हैं इट्स वेरी ऑर्ड कि आप अपना जंग अभी अभी तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी चीज़ जो मिलिट्री सेंस में चीज़ें कॉन्टेक्स्ट भी चेंज हो गए हैं ना कैसे कि पहले आपके पास क्या कि आपने फौजें भेज दी आपने एयर स्ट्राइक्स करवा दी आपने ये कर दिया आपने वो कर दिया बट अब कंट्रीज बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो डिफेंस सेक्टर में वो साइबर पे भी कर रहे हैं ठीक है बिकॉज़ पोटेंशियल hmm. so, वो भी था हाँ एक्जैक्टली exactly. हाँ. उसमें आपकी आपकी ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो तो बहुत ज़्यादा होती हाँ. है बट आपका उसमें कोई ह्यूमन uh, लॉस होने के चांसेस नहीं होते ठीक है कि आपका कोई फौजी जा के नहीं कर रहा ठीक है तो वो लाइक हाँ आप उसको बचा हाँ. सकते हैं और प्रेसिडेंट अगेन इसराइल और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी है कि इस ईरान की एक न्यूक्लियर प्रोग्राम वेबसाइट वेबसाइट नहीं एक साइट है नैतन उसको जगह का नाम है ठीक है और इसराइल uh, ने और यूएस ने मिल के उस पर साइबर अटैक्स कराए थे और वो पूरा प्रोग्राम दो साल पीछे चला गया था ठीक है और उसकी वजह से ईरान को बहुत ज़्यादा फाइनेंशली मतलब लॉस बहुत ज़्यादा हुआ था तो अब उस तरह की प्रेसिडेंट्स हैं कि आप अगर अगर वो एयर स्ट्राइक्स नहीं करेर स्ट्राइक्स तो बहुत मतलब बड़ा डिसीजन है ना ठीक है अगर वो साइबर अटैक्स भी करते हैं और वो किसी बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूक्लियर टर्म्स में किसी बहुत क्रिटिकल फैसिलिटी को अगर वो अटैक uh, करते हैं तो साइबर मींस uh, के थ्रू तो वो किस तरह से मतलब फिर उसकी रिप्रिकोशन क्या हो की? सकती हैं पता पता किस तरह से रिएक्ट करेगा कितना कितना ज़रूरी है ये जानना कि आप आपका जो

मुझे yes. बहुत मजा हैं। दो हैं। दो बहुत मुझे बहुत मजा आया। और yes. इसी मैसेज uh, के साथ आई होप वी कैन री लर्न फ्यू थिंग्स जो हम टेक्स्ट की किताबों में पढ़ते थे उस टाइम थोड़े थोड़े याद hmm. भी थे लेकिन फिर क्योंकि पढ़े नहीं और भूल गए तो आई री लर्न करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग